हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SPM होशंगाबाद 2021 एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ गाइस, SPM होशंगाबाद 2021 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप लोगों का SPM होशंगाबाद 2021 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसेस को। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पर क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर लेना होगा, इंग्लिश या हिंदी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन नंबर है एंटर कर देना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ कैसे यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा एज इट इज़ आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटर कर देना होगा। अब जैसे यहाँ पे आप इतनी डिटेल्स एंटर करते, इतनी डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना, आप लोग अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे। वहाँ पे एक लिंक दिखाई देगी, सिंपली डाउनलोड कॉल लेटर करके उस पर क्लिक करके आप आसानी से डायरेक्टली अपना जो एडमिट कार्ड कॉल लेटर हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आप, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।